हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को लैब में ले चलूंगा। तो सबसे पहले इसको पहचानिए आप लोग, क्या है ये? पोटेशियम है, जिसे कैलियम भी बोला जाता है। इसका संकेत होता है के। तो दोनों ये वाटर है, वाटर और पोटेशियम के बीच रिएक्शन होने के बाद के ओ एच और हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस को आप उल्टा गिलास पे जमा कर सकते हैं। लॉ के ऊपर ले जाने के बाद, आग के ज्वाला के पास ऊपर ले जाने के बाद, वह पॉप आवाज़ के साथ जल उठता है। अब दोस्तों, दूसरा प्रैक्टिकल है, इसको पहचानिए क्या है। ये सोडियम है, जैसे कि नमक तैयार होता है। आप सोडियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन करवाइएगा तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे नमक भी कहा जाता है, यानी HCl। लेकिन आपको यहाँ ये सोडियम और वाटर के बीच रिएक्शन देखना है। चलिए, सोडियम को वाटर में मिलाने के बाद आप देखते हैं गैस बनता हुआ देखिएगा, और इसे थोड़ा सा उबलने लगता है, ऐसा भी आपको दिखाई पड़ सकता है। इस गैस को जमा कर सकते हैं उल्टा ग्लास में, और जलते हुए ज्वाला के ऊपर रखने पर पॉप की आवाज़ आप सुन सकते हैं, अर्थात हाइड्रोजन गैस जल उठा। वाटर और सोडियम के बीच रिएक्शन के पश्चात आपको मिलेगा NaOH और हाइड्रोजन गैस। आप सोचते होंगे सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जा सकता है? इसे किरासन तेल में रखा जाता है, क्योंकि पानी तो रिएक्शन कर लेता है। अब खुले में रखिएगा, वाटर वेपर के बीच रिएक्शन कर लेगा, या वहाँ सुरक्षित या नहीं है, इसे किरासन तेल में ही रखा जाता है। तो दोस्तों, ये बच्चों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि बच्चे सावधानी नहीं बरत सकते हैं। जब ये रिएक्शन होगा, लाह उठेगा, ज्वाला उठेगा, पानी उबलेगा, तो अपना चेहरा ऊपर नहीं रखें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट जरूर से जरूर लिखेंगे, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।